हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारी क्लास ट्वेल्थ की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो को। इसके राइटर हैं लुइस फिशर। तो ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है उनके द्वारा लिखी गई एक बुक का जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से 1942 में मिलते हैं सेवाग्राम के एक आश्रम में, सेवाग्राम महाराष्ट्र में है, तब गांधी जी उनसे कहते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। तो गांधी जी उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मेरे अंदर वो इच्छा आई, कैसे मेरे अंदर वो डिजायर आया ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से बाहर निकालने का या इंडिया को फ्रीडम दिलाने का 1917 में। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मतलब एक एनुअल मीटिंग अटेंड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, जिसमें करीब 2301 डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आए होते हैं और काफी सारे विजिटर्स भी आए हुए होते हैं। और जब वो मीटिंग चल रही होती है तब गांधी जी बताते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड। तो उस टाइम पर एक पीजेंट मतलब एक फार्मर उनसे मिलने आते हैं जो कि बिल्कुल दूसरे फार्मर्स जैसे ही लग रहे होते हैं, बिल्कुल गरीब और इमेसिएटेड मतलब बिल्कुल ही वीक और काफी दुबले पतले लग रहे होते हैं। वो फार्मर कहते हैं, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वो बताते हैं कि उनका नाम राजकुमार शुक्ला है और वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि बिहार में है, और वो चाहते हैं कि गांधी जी उनके डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें। तो जो गांधी जी होते हैं उन्होंने कभी भी इस जगह का नाम पहले सुना भी नहीं होता है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है ये बिल्कुल हिमालयस के फुटहिल्स में होता है, मतलब हिमालयस के काफी पास में होता है जहाँ से बिल्कुल माउंटेन स्टार्ट हो रहे होते हैं, और ये नेपाल के किंगडम से काफी पास में होता है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक एंशियंट अरेंजमेंट होता है, मतलब वहाँ पे पुराने टाइम से ही एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा होता है, और वहाँ पर जो पीजेंट्स होते हैं मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं वो इन फार्मर्स को अपनी जमीन पर क्रॉप्स को कल्टीवेट करने देते हैं, और इसके बदले में उन फार्मर्स को अपने हार्वेस्ट का या अपने प्रोड्यूस का कुछ परसेंटेज उन लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता है, और राजकुमार शुक्ला भी ऐसे ही एक शेयर क्रॉपर होते हैं वहाँ पर। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला है वो इलिटरेट होते हैं, मतलब वो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं पर वो रेजिल्यूट होते हैं, मतलब वो काफी डिटरमाइंड होते हैं और काफी फर्म होते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर से लखनऊ तक आए होते हैं इस कांग्रेस सेशन में ताकि वो कंप्लेन कर सकें उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम के कारण वहां पर बिहार में। और हो सकता है उसी कांग्रेस सेशन में किसी ने उनसे कह दिया होगा, स्पीक टू गांधी, मतलब तुम गांधी जी से जाकर बात करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो जब शुक्ला गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तब गांधी जी कहते हैं कि अभी तो उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर पुराना नाम है कानपुर का, और वहां पर जाने के बाद उन्हें इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाना है, तो इसीलिए अभी वो उनके साथ नहीं चल सकते हैं। और जब गांधी जी इन सब जगहों पे जाते हैं तब जो शुक्ला है वो भी उनके पीछे पीछे हर जगह जाते हैं, और जब गांधी जी सब जगह से होकर अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं अहमदाबाद के पास में, तब राजकुमार शुक्ला वहां पर भी आ जाते हैं उनके आश्रम में, और इस तरीके से वो कई हफ्तों तक गांधी जी को फॉलो करते हैं। इसके बाद वो आखिरकार गांधी जी को कह देते हैं, फिक्स अ डेट, मतलब आप प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए जब आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को विजिट करेंगे। और जो गांधी जी होते हैं वो काफी इम्प्रेस्ड होते हैं राजकुमार शुक्ला से, उनकी डिटर्मिनेशन के कारण, उनकी फर्मनेस के कारण कि इतने टाइम से कैसे वो उनके साथ साथ चल रहे हैं हर जगह। तो अब गांधी जी कहते हैं कि मुझे इन इन तारीखों को कलकत्ता में जाना है, तो तुम वहां पर आके मुझे मिलना, वहां से मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगा। इसके बाद काफी महीने बीत जाते हैं और जो राजकुमार शुक्ला है वो वहां पर अपनी हॉन्चेस पर बैठे हुए थे, मतलब अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठे हुए थे कलकत्ता के उसी स्पॉट पर जहां पर गांधी जी उनसे मिलने वाले थे, और काफी टाइम बाद गांधी जी वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद जो शुक्ला जी होते हैं वो काफी टाइम तक इंतजार करते हैं जब तक गांधी जी अपना सारा काम वहां पर खत्म करके फ्री नहीं हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक ट्रेन से पटना की तरफ चले जाते हैं, जहां पर जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके जाते हैं जो कि एक लॉयर होते हैं,
और वो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। पर जब वो उनके घर पे पहुंचते हैं तब राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते हैं, पर उनके घर पर जो सर्वेंट्स होते हैं वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वो एक पुअर येवमैन है, मतलब एक पुअर फार्मर है जो कि वहां पर आता रहता है उनके मास्टर को, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को बार बार पेस्चर करने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए कि वो उन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। तो इसीलिए जो सर्वेंट्स होते हैं वो वहां पर उनको जमीन पर रुकने की परमिशन दे देते हैं, और क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ ही आए होते हैं तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को भी एक पीजेंट समझ लेते हैं, मतलब उनको भी एक फार्मर समझ लेते हैं। और जो गांधी जी होते हैं उनको परमिट, मतलब उनको परमिशन भी नहीं दी जाती है कि वो वहां पर एक कुएं में से पानी निकाल सके, क्योंकि उन सर्वेंट्स को पता नहीं होता है कि वो एक अनटचेबल है या नहीं है। और उस टाइम पर अनटचेबिलिटी काफी प्रेविलेंट थी और वो सोचते थे कि हो सकता है कि अगर ये कुएं में से पानी निकाले और उस बकेट में से कुछ ड्रॉप्स वापस से कुएं में गिर जाए तो उनका जो पूरा कुआं था वो पोल्यूटेड हो जाएगा, तो इसीलिए वो गांधी जी को पानी निकालने की परमिशन भी नहीं देते हैं। और क्योंकि वहां पर उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से नहीं हो पाती है तो इसीलिए जो गांधी जी होते हैं वो मुजफ्फरपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में ही पड़ता था। और वो मुजफ्फरपुर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के बारे में कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद वो एक टेलीग्राम सेंड करते हैं प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में थे और वो उनसे पहले टैगोर शांति निकेतन स्कूल में भी मिल चुके थे। तो जो ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर में 15 अप्रैल 1917 को पहुंचती है बिल्कुल आधी रात को। वहां पर कृपलानी जी वहां पर स्टेशन पर उनका वेट कर रहे होते हैं और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। गांधी जी वहां पर 2 दिन तक रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पर, जो कि एक टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो अब गांधी जी कहते हैं, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। वो कहते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी उन दिनों में, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मुझे अपने घर पर रुकने दे रहा था, मतलब हार्बर कर रहा था, क्योंकि उस टाइम में स्मॉल लोकेलिटीज में, मतलब छोटे शहरों में इंडियंस काफी ज्यादा डरा करते थे सिंपैथी दिखाने के लिए एडवोकेट्स ऑफ होम रूल को। मतलब जो इंडियंस होते थे वो काफी ज्यादा डरते थे कि वो अगर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे या इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते थे, उनकी हेल्प करने में, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा डर था। और इसीलिए गांधी जी को ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग लगती है कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर उनको अपने घर पर रुकने दे रहे हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। तो जब गांधी जी वहां पर आते हैं तो ये न्यूज बहुत जल्दी पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाती है कि गांधी जी वहां पर आए हैं और उनका क्या मिशन है, और फिर ये न्यूज मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक भी पहुंच जाती है। और इसके बाद जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं चंपारण में वो वहां पर आना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पैदल चलकर आते हैं और कुछ लोग अपने कन्वेयंस से, मतलब किसी भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहां पर आने लगते हैं ताकि वो अपने चैंपियन को देख सके, मतलब जो उनकी हेल्प करने आ रहा है उसे देख सके। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी को ब्रीफ करते हैं, मतलब गांधी जी को सारी चीजें बताते हैं। वो जो लॉयर्स होते हैं मुजफ्फरपुर में वो फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करते थे पीजेंट्स को कोर्ट में, मतलब वो फ्रीक्वेंटली चंपारण के जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से केस लड़ते थे कोर्ट में। और वो जो लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी को उन केसेस के बारे में भी बताते हैं जो वहां पर फाइल होते थे, और उनकी जो फीस है उसके बारे में भी वो बताते हैं। और जैसे ही वो लॉयर्स अपनी फीस के बारे में गांधी जी को बताते हैं तब जो गांधी जी होते हैं वो काफी ज्यादा डांटते हैं उन लॉयर्स को। शाइडेड का मतलब होता है डांटना, और वो उन्हें इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में फीस लेते हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर से। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ For them is to be free from fear. मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि सारे केसेस के बारे में और उनकी जो conditions है उसके बारे में सुनने के बाद वो conclusion पर आते हैं कि हमें law courts, मतलब जो courts होते हैं उनमें अपने केसेस को file कर देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो peasants हैं वो खुद ही इतना ज्यादा डरते हैं और इतना ज्यादा दबे हुए हैं landlords के कारण
कि ऐसे केसेस को वहां पर कोर्ट्स में फाइल करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। और जब तक ये जो पीजेंट्स हैं, ये इन लैंडलॉर्ड से डरना बंद नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रांगली डिफेंड नहीं करेंगे, तब तक ये लॉ कोर्ट्स किसी भी काम के नहीं है। और असलियत में जो चीज इन्हें रिलीफ दे सकती है, मतलब जो रियल रिलीफ होगा इन फार्मर्स के लिए, वो होगा इनके डर को खत्म करना। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जितना भी एरेबल लैंड था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वो लैंड जो कि केपेबल था फार्मिंग करने के लिए, वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया था इंग्लिशमेंस के द्वारा, और इंग्लिशमेंस ही उन्हें ओन करते थे, और जो इंडियन फार्मर्स थे वो उस पर काम करते थे। और वहां पर जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था, मतलब जो मेन कमर्शियल क्रॉप था जिससे प्रॉफिट होता था और जो बेचा जाता था, वो वहां पर इंडिगो था। और वहां पर जो टेनेंट्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, उन्हें लैंडलॉर्ड्स को अपने प्रोड्यूस का 3/20 या फिर 15% लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर करना पड़ता था, मतलब लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था अपने पूरे इंडिगो हार्वेस्ट का एज रेंट। मतलब जो इंग्लिशमैन थे वो अपने लैंड पर इन्हें काम करने देते थे, और इसके बदले में उन्हें 15% इनका हार्वेस्ट इंडिगो का उन इंग्लिशमैन को देना पड़ता था। और जो फार्मर्स थे और जो इंग्लिशमैन थे, उनके बीच में एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी था इसी चीज को लेकर। और अब क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उन्हें पता चलता है कि जो जर्मनी है, उन्होंने वहां पर सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो वो समझ जाते हैं कि अब जो इंडिगो है उसकी डिमांड काफी ज्यादा गिरने वाली है, और उसकी प्राइसेस भी काफी ज्यादा गिरने वाली है, क्योंकि अब सिंथेटिक इंडिगो आ गया है। तो वो वहां पर फार्मर्स के सामने कंडीशन रखते हैं बिना उन्हें सच्चाई बताए कि वो उन्हें उनके 15% जो उनको हार्वेस्ट का अपना देना पड़ता है, वो उसे उससे रिलीज कर रहे हैं, बिल्कुल उससे छुटकारा दे रहे हैं। और इसके बदले में कि वो उन्हें रिलीज कर रहे हैं उनके 15% के अग्रीमेंट से, इसके बदले में उन्हें कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उन लैंडलॉर्ड्स को। और क्योंकि ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि उन्हें अपने हार्वेस्ट का कुछ पार्ट लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा ट्रबलसम था, काफी ज्यादा इर्कसम था, काफी ज्यादा परेशान करने वाला था पीजेंट्स के लिए। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अब हमें अपना हार्वेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसके बदले में हमें कुछ कंपनसेशन देना है इनको, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए अधिकतर जो पीजेंट्स होते हैं वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, और कुछ जो पीजेंट्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, मतलब जो अपोज करते हैं इसको, वो लॉयर्स हायर करते हैं अपने फेवर में कि वो उनकी तरफ से केस लड़े। पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो ठग्स को हायर कर लेते हैं, मतलब वो गुंडों को हायर कर लेते हैं इन्हें भी दबाने के लिए, और इस तरीके से वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं। इसके बाद जब इन फार्मर्स को पता चलता है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, कि उनसे इतना ज्यादा कंपनसेशन ले लिया गया है, और अब वो अपने पैसे वापस चाहते थे। और इस टाइम पर जब ये सब चल रहा था, तब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। तो गांधी जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स को कलेक्ट करने से, मतलब वो काफी सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, यहाँ की कंडीशन को स्टडी करते हैं। इसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन को भी विजिट करते हैं, पर वहां पर जो सेक्रेटरी होते हैं वो कहते हैं कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तभी जो गांधी जी होते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो कि तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर होते हैं, उन्हें बुलाते हैं। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो भी तिरहुत में ही होता है। इसके बाद गांधी जी बताते हैं कि वो जो कमिश्नर होते हैं वो गांधी जी को भी बुली करते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी तिरहुत को छोड़कर चले जाएं। पर जो गांधी जी होते हैं वो वहां से नहीं जाते हैं और वो मोतिहारी की तरफ चले जाते हैं, जो कि चंपारण का कैपिटल होता है, और उनके साथ काफी सारे लॉयर्स भी होते हैं। और जब वो मोतिहारी में जाते हैं तब वहां पर रेलवे स्टेशन पे काफी सारे लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए आते हैं। इसके बाद वो एक घर में जाते हैं वहां पर और उसे ही अपना हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं, जहां से वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और सभी चीजों को स्टडी करते हैं। इसके बाद वहां पर उनके पास एक रिपोर्ट आती है, मतलब इन्फॉर्मेशन आती है कि एक पीजेंट को, मतलब एक फार्मर को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, टॉर्चर किया गया है पासी के एक गाँव में। तो जो गांधी जी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो वहां पर जाकर उसे देखेंगे, और अगली ही सुबह वो एक हाथी के पीछे बैठकर उस गांव के लिए निकल जाते हैं। और जब वो उस गांव के लिए निकलते हैं तभी एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर वहां पर आता है और वो उन्हें ऑर्डर करता है कि वो अभी टाउन की तरफ वापस चले जाएं
उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर, उनके कैरेज में बैठकर। तो जो गांधी जी होते हैं वो अग्री कर लेते हैं और जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी को उनके घर तक लेकर जाता है और वहां पर वो उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस देता है और उस नोटिस के हिसाब से गांधी जी को चंपारण को इमिजिएटली छोड़कर जाना होता है। और वहीं पर गांधी जी एक रिसिप्ट पर साइन करते हैं उस नोटिस के लिए और उस रिसिप्ट पर लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, वो इस ऑर्डर को तोड़ने वाले हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंस में, मतलब इसके रिजल्ट में, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में बुलाया जाता है। उस दिन पूरी रात तक जो गांधी जी होते हैं वो जागते हैं। वो उस रात को टेलीग्राफ भेजते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास कि वो अभी बिहार में आ जाएं अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो भी उनके दोस्त हैं, जो कि कुछ लीडर्स हैं, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, उनको लेकर वो बिहार में आ जाएं। इसके बाद वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं कि अभी आगे क्या करना है। और इसके बाद वो वहां पर चल रही पूरी इंसिडेंट की रिपोर्ट भी वहां के वायसराय को भेजते हैं, मतलब उस स्टेट के जो हेड होते हैं उनको भेजते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, जब गांधी जी को कोर्ट में पेश होना होता है, उस दिन सुबह जो मोतिहारी का शहर होता है, द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, मतलब वहां पर काफी सारे पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स आ जाते हैं सड़कों पर और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से पीजेंट से ही भरा हुआ है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि वो जो भी लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आते हैं, उन्हें गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, मतलब जो भी गांधी जी ने किया होता है साउथ अफ्रीका में उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि उन्होंने वहां पर कौन से मूवमेंट्स किए हैं और वहां पर उन्होंने क्या क्या काम किया है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि एक महात्मा गांधी जी हैं, वो वहां पर उनकी मदद करने आए हैं और अभी जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें ट्रबल कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर एकदम से स्पॉन्टेनियसली काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, हजारों में लोग वहां पर आते हैं और वो कोर्ट हाउस, मतलब जो कोर्ट होता है, उसे घेर लेते हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, मतलब ये जो लोग होते हैं इतने हजारों में जो कि कोर्ट रूम के सामने आ जाते हैं, गांधी जी इसे शुरुआत कहते हैं हमारी लिबरेशन की, मतलब हमारी जो आजादी होती है, हमारा जो फ्रीडम होता है ब्रिटिशर्स के डर से या ब्रिटिशर्स के डर का, उसे आजादी की शुरुआत कहते हैं गांधी जी, क्योंकि पहली बार इतने सारे लोग एक कोर्ट रूम के सामने आकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से वो ब्रिटिश अथॉरिटीज को अपोज कर रहे होते हैं और उनके अंदर ब्रिटिशर्स का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इतने हजारों की जो भीड़ होती है लोगों की, उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, वो बिल्कुल पावरलेस फील करते हैं और इसीलिए वो गांधी जी को कॉर्पोरेट करने के लिए कहते हैं। वो गांधी जी से मदद लेते हैं ताकि वो उस भीड़ को शांत कर पाएं, उन्हें रेगुलेट कर पाएं। और जो गांधी जी होते हैं वो भी काफी पोलाइट होते हैं, काफी फ्रेंडली होते हैं। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट हर टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस। ही वॉज गिविंग देम, ही मतलब जो गांधी जी होते हैं वो ब्रिटिशर्स को, देम मतलब ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ देते हैं, मतलब एक सॉलिड प्रूफ देते हैं उनकी माइट का, मतलब इंडियंस की पावर का। हिट हर टू मतलब अप टिल नाउ, यानी अभी तक, जो कि ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, मतलब काफी ज्यादा डरावनी और अनक्वेश्चनेबल, जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था, उसे अब इंडियंस ने चैलेंज कर दिया था। मतलब गांधी जी एक सॉलिड प्रूफ देते हैं उनकी पावर का कि अभी तक जो डर ब्रिटिशर्स ने फैला रखा था कि उन्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था, वो आज इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने साबित कर दिया था कि उनका डर अब खत्म होता जा रहा है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, तो जो गवर्नमेंट होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। जो प्रोसिक्यूटर होता है, मतलब जो लॉयर होता है, वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ट्रायल को, मतलब इस केस को पोस्टपोन कर दे। और हो सकता है वो ऐसा इसलिए डिमांड कर रहे हों क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहते हों इस मामले में। पर जो गांधी जी होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपोज करते हैं इस डिले को कि जो केस है वो अभी ही सॉल्व होना चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, साथ ही में गांधी जी जो होते हैं वो अपना स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हाँ, उन्होंने ही कोर्ट के ऑर्डर को ठुकराया था, ऑफिशियल नोटिस को ठुकराया था और इसके वो गुनहगार हैं, मतलब गिल्टी हैं।
और फिर वो कोर्ट को बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में होते हैं। मतलब कि एक तरफ तो वो लोगों के सामने एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि लोगों को लॉ फॉलो करना चाहिए, और वो नहीं चाहते थे कि वो खुद एक लॉ को तोड़कर लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें एक लॉ ब्रेकर का। और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और दूसरी तरफ तो उनकी जो ह्यूमैनिटी की फीलिंग थी, उनकी जो नेशनल सर्विस की मतलब अपने नेशन को सर्व करने की जो भावना थी, अपने लोगों को और उनके लिए कुछ अच्छा करने की जो फीलिंग थी जिसके कारण वो वहां पर आए थे, एक साइड पर ये चीज थी। तो यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि उनके पास जो ऑफिशियल नोटिस आया था चंपारण छोड़ने का, उनके पास उस टाइम पर दो ऑप्शंस थे कि वो या तो चंपारण को छोड़ दें ताकि वो एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करे लोगों के लिए, और दूसरी तरफ उनके पास एक ऑप्शन था कि वो चंपारण को नहीं छोड़ें ताकि वो यहाँ के लोगों की हेल्प कर पाए, वो अपने नेशन को सर्व कर पाए जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए वो उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं चंपारण को छोड़ने का। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। और इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने इस लॉ को, इस ऑर्डर को इसलिए नहीं तोड़ा ताकि वो रिस्पेक्ट ले सके लॉफुल अथॉरिटीज की, पर उन्होंने इस लॉ को इसलिए तोड़ा ताकि वो अपने हायर लॉ ऑफ आर बीइंग को ओबे कर पाए, मतलब इन लॉज से ऊपर जो लॉ होता है वो उसे फॉलो कर पाए, जो कि होता है द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस का, मतलब हमारी जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है वो उसे फॉलो कर पाए। इसीलिए उन्होंने इस लॉ को तोड़ा। और इसीलिए वो पूछते हैं फिर कि उनकी कितनी पेनल्टी ड्यू है इस लॉ को तोड़ने के कारण। तो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब जो जज होते हैं, वो कहते हैं या वो अनाउंस करते हैं 2 घंटे की रिसेस, मतलब एक 2 घंटे के ब्रेक को वो अनाउंस करते हैं, और इसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे। और वो गांधी जी से कहते हैं कि वो इन 2 घंटे के लिए अपनी बेल को फर्निश करें, मतलब अपनी बेल को सबमिट करें, पर जो गांधी जी होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो मना कर देते हैं कि वो कोई बेल सबमिट नहीं करने वाले हैं। तो जो जज होते हैं वो उन्हें रिलीज कर देते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं बिना किसी बेल के ही। इसके बाद व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, मतलब जब कोर्ट वापस से रिस्टार्ट होता है, तो जो जज होता है वो कहता है कि वो और कुछ दिनों तक अपना जजमेंट नहीं दे पाएगा, और जब तक वो अपना जजमेंट नहीं देता है तब तक गांधी जी जो होते हैं वो लिबर्टी में रह सकते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रीडम से रह सकते हैं बिना किसी रोक टोक से। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, और इसके आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।